सफलता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है, सफलता को इससे मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दिनों रात अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस समय जो आप सफल होना चाहते हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, एक नौकरी ला करके अपने घर का, अपने समाज का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, मस्तक ऊंचा करना चाहते हैं। उसी में सहयोग देने के लिए एनपीसी गुरुकुल की टीम आपके साथ लगी हुई है। पहले ही प्रैक्टिस सेट जिसमें प्रीवियस ईयर में आए, पिछले वर्षों में आए क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराई जा चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं कि 10 दिन अब रह गए हैं, 10 भी नहीं 9 दिन आप मान करके चलेंगे, उतने दिन हमारे पास रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ दिनों रात काम करने की जरूरत है, दिनों रात पढ़ने की जरूरत है। उसी श्रृंखला में आपके लिए लेकर के आए हैं 10 प्रैक्टिस सेट, 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट है जो हमारे यहाँ ऐसे शिक्षक जिन्होंने पहले हजारों बच्चों का सिलेक्शन करा रखा है, उन्होंने इनको डिजाइन किया है, उन्होंने इसको संकलित किया है, एक साथ लेकर के आए हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये प्रश्न आपको ऐसे के हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। 17 और 18 तारीख को जो परीक्षा है दो दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4,768 परीक्षा केंद्र बनाए गए, लगभग 48 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगा, ये अंतिम प्रहार है, अंतिम प्रहार जोरदार। आगे चलेंगे, अब प्रश्न के साथ बात करेंगे। पहला प्रश्न ये हमारे सामने है, कहता है बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। साथियों रद्द पे ध्यान देना है, बंगाल का विभाजन कब हुआ इससे हमें लेना देना नहीं है। इस प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है रद्द कब हुआ, सही उत्तर है 1911। अब आप मुझे ये बताएंगे कि बंगाल का जो विभाजन था वो हुआ कब था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और इसको रद्द कब कर दिया गया, 1905 में इसको कर दिया गया। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। आगे हमारा जो प्रश्न है वो आ गया प्रश्न नंबर 2, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। बड़ा प्यारा और सॉलिड प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आइजोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े विकल्पों पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। ईटानगर किसकी राजधानी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बढ़िया पुलिस में भर्ती होने की तो बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है गुरुजी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। पोर्ट ब्लेयर किसकी है गुरुजी, अंडमान और निकोबार की है गुरुजी इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार से जबरदस्त प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिए जरा प्रश्न का उत्तर मुझे देते चलना। यहाँ पर कुल द्वीप कितने हैं, कुल द्वीप की बात चल रही है, और वो कितने हैं हमारे पास, 36 द्वीप है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न हमसे कहता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो अंडमान निकोबार में स्थित है उसका नाम क्या है, तो साथियों वो है सैडल पीक उसका नाम है। ये अंडमान के किस भाग में है, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अंडमान में क्या है, ये नॉर्दर्न अंडमान इलाके में ये स्थित है। अगली बात है कोहिमा किसकी राजधानी है, तो कोहिमा राजधानी है साथियों नागालैंड की। पुलिस वालों कांस्टेबल वर्दी वालों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, प्रश्न 3 आपका इंतजार कर रहा है। मध्य अवधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है, कितने समय के लिए मध्य अवधि ऋण दिया जाता है। ऋण को कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में लोन, तो ऋण या लोन 3 प्रकार के हैं भारत में जो दिए जाते हैं, तीनों प्रकार पे थोड़ी चर्चा आवश्यक हो गई है। एक होता है अल्पावधि लोन या ऋण, दूसरा है मध्य अवधि लोन, और तीसरा हो जाएगा साथियों हमारा वो है दीर्घ अवधि लोन। तो दीर्घ अवधि लोन ये कितने कितने समय के लिए दिया जाता है, मेरे साथ आप देख रहे हैं बहुत तेजी से, तो अल्प अवधि लोन जो दिया जाता है वो 15 माह से कम समय के लिए इस लोन को दिया जाता है साथियों। मध्य अवधि लोन कब दिया जाता है, 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए दिया जाता है, जबकि दीर्घ अवधि लोन जो है वो 5 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है। कहाँ, 5 वर्ष से अधिक इसके लिए लोन दिया जाता। अब उत्तर आपके सामने प्रश्न का क्लियर हो गया होगा, आप खुद लगाएंगे, आप कहेंगे मध्य अवधि है गुरुजी, 15 माह से 5 वर्ष तक का लोन है सर जी, 15 माह से 5 वर्ष तक का। प्रश्न आ गया चौथा आपके सामने, हीन यान महायान किस धर्म से संबंधित है। प्रश्न वैसे तो बड़ा सही है लेकिन हम चारों विकल्प पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है आप वीडियो को अंत तक देखिए, मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा मानना है कि आप कुछ ऐसा जरूर सीख के जाएंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा रहा है।
आप देखें इसका पहले तो सही उत्तर लगाएं, इसका है बौद्ध धर्म। अब ज्ञान की बात अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान कभी भी काम आ सकता है। इसमें यहां पर जो शब्द मिलते हैं वो है श्वेतांबर, श्वेतांबर। दूसरा है पीतांबर, पीतांबर उनको कहा गया जिन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं करे, वो नग्न अवस्था में मिलते हैं। जैन गुरुओं को आपने देखा होगा, मुनियों को आपने देखा होगा, जो किसी प्रकार का कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वो किस में आ गए? पीतांबर में। और श्वेतांबर जिन्होंने सफेद कलर के वस्त्र धारण किए, श्वेत कलर के वस्त्र धारण किए। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो यहां पर आपको वैष्णव देखने को मिलेंगे और शैव देखने को मिलेगा, ये शब्द आपको सुनने को मिल जाएगा। जबकि सिख धर्म से जो संबंधित है वो है खालसा संप्रदाय या समूह। तो खालसा शब्द जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है, यानी एक यूनियन गवर्नमेंट की विशेषता क्वालिटी इसमें से कौन सी है? तो वो है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और राज्यों के बीच में एक शक्तियों का वितरण होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये इसकी पहचान है या विशेषता है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास जो है, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? खून के जमने में कौन सा सहायक होता है, आप ये देखेंगे, ये देख लेंगे यहां पे इसका सही उत्तर क्या होगा। और सही उत्तर है इसका थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इसका सही उत्तर है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसके बारे में, सबके बारे में थोड़ी जानकारी लेना बहुत जरूरी है साथियों। आप देखें तो अब हम इसके बारे में एकदम इसको खोल बांध देते हैं, आवाज मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। ट्रिप्सिन की बात करें अगर हम, तो ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ मिलता है? अग्नाशय में मिलता है, और अग्नाशय से एक चीज का स्त्राव होता है, उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का स्त्राव होता है अग्नाशय से, इसमें मिलता है ट्रिप्सिन। गुरुजी ट्रिप्सिन का कार्य क्या है पूछा जा सकता है? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को तोड़ देना, प्रोटीन को तोड़ देना या उसे डाइजेस्ट कर देना, उसका अपचय करा देना, ये काम है ट्रिप्सिन का, ये मदद करेगा। अगला है थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन सुन तो लिया कि खून को जमाता है, इसके बारे में एक दो बात और सुनिए, ताकि प्रश्न अगर जरा सा करवट ले तो आप करवट नहीं लेने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट कर देगा, जिसके बाद क्या होगा, यहां पर खून जो है वो जम जाएगा, यानी कि आपका स्कम बनेगा। हिंदी में साथियों आपने वर्ड सुना होगा खुरंट बनेगा, है जी गुरु जी कैसे शब्द बोल रहे हो, क्या करें, हमारी आम बोलचाल की भाषा से आपको समझ में आना चाहिए बस। अगला चलेंगे रेनिन। रेनिन कहां पाया जाता है? तो ये पेट में पाया जाता है। किसके पेट में पाया जाता है? नवजात शिशुओं के पेट में पाया जाता है, या वो शिशु एक वर्ष की आयु यानी जब तक वो माँ का दूध पीता है तब तक उसके पेट में मिलता है रेनिन। इसका काम क्या है सर जी? ये अपचय कराता है, डाइजेस्ट कराता है, किसको? मिल्क के प्रोटीन को। दूध में जो प्रोटीन होती है उसको ये डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। जैसे बच्चे को दूध पिलाया हो, आपने भी देखा होगा, बच्चे को दूध पिलाया 15 मिनट बाद वो जब दूध पलट देता है तो वो दही निकलता, दूध नहीं निकलता बाहर। क्यों? क्योंकि रेनिन ने क्या कर दिया है? उसका अपचय करा दिया तब तक जब तक वो उसने बच्चे ने दूध पलट दिया। अगला प्रश्न है अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को अपचय करता है, यानी कि इसको तोड़ देता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है। गुरुजी कहाँ उपस्थित है? तो अमाइलेज जो है हमारा वो लार में उपस्थित होता है, ठीक है साथियों, लार में उपस्थित होता है। एक ऐसा एंजाइम बताइए जो लार में भी है और आंसू में भी है, मुझे इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आपको नहीं आता कमेंट में लिखिए गुरुजी नहीं आता बता दीजिए, कल की वीडियो जब हमारा प्रैक्टिस सेट 2 लगेगा तो मैं आपके लिए उसका उत्तर बताऊंगा। ऐसा एंजाइम, प्रश्न सुन लीजिए, ऐसा एंजाइम जो आंख के आंसू में भी मिलता है और आपकी लार में भी मिलता है। आगे चलेंगे, ये था जीव विज्ञान से प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 कहता है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? बहुत प्यारा प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं है बहुत लंबा लेबल दे दिया हो, नहीं फालतू की बात। सर्वोच्च न्यायालय में आप सीधे सीधे जाकर के कहेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बहुत स्पीड से चल रहा है, देखिए समय खराब करने का नहीं है बिल्कुल।
पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, केरल तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। कहां पर स्थित है? दक्षिण भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं। दोनों ही राज्य अपनी तटीय सीमा रखते हैं, दोनों राज्य अपनी तटीय सीमा रखते हैं। ठीक है, दो प्रश्न के साथ तैयार हो गए। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 9। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? पहले एक दो सीट इनकी जो रहती थी, रिजर्व रहता था, आरक्षण था इनका, वो अब समाप्त कर दिया गया, वो सीटें खत्म कर दी गई। ये किसके तहत खत्म की गई है, यहां देखें आप 104, 195 या यहां पर 101। तो 104 इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब ले लो जानकारी, सही उत्तर मिल गया, अब ले लो जानकारी। जानकारी कहती है जो 95वां संविधान संशोधन है उस वो किससे संबंधित था? वो एससी एसटी एक्ट से संबंधित था, या मैं कहूं एससी एससी और एसटी से संबंधित ये हमारा संशोधन है। अगली बात है 101 किससे है, अति महत्वपूर्ण है। जितने तारे सितारे लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत के तारे सितारे ऐसे ही प्रश्नों से लगेंगे। सही उत्तर है जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कैसा कर होता है? जीएसटी कैसा कर है साथियों? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। इसकी कितनी कितने विभाग भागों में ये बटा हुआ है, कितने मतलब कितनी कितनी परसेंट लगती है? तो ये 4% में लगा हुआ है, यानी 4 में है, 4 तरीके से इसकी परसेंटेज बनाई हुई है वो लगता है। सबसे अधिकतम कितना है? 27 या 28 साथियों बताइए। इसका सबसे अधिकतम जो है वो 28% है। इस तरीके के कुछ और प्रश्न इसके डिटेल में लेकर के आएंगे आपके लिए। आगे चल रहे हैं, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी की जो चिप है उसका निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है साथियों? इसका उत्तर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं गुरुजी? देखिए, जितना भी मैटर है, जितना पदार्थ है, वो तीन प्रकार से विभाजित रहता है। किस आधार पर विभाजित रहता है गुरुजी? कि वो विद्युत को यानी चार्ज को, करंट को किस स्पीड से ट्रांसफर कर रहे हैं, पार होने दे रहे हैं अपने में से या नहीं होने दे रहे हैं। तो तीन हो गए, कंडक्टर सेमीकंडक्टर। गुरुजी, गुरुजी आप हो जाओ सुरुजी। और तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर तो एकदम झमाझम झमाझम बोल झमाझम, यानी कंडक्टर पूरी तरीके से अपने अंदर विद्युत धारा को पास होने देते हैं, विद्युत हो जाए या फिर जो हीट होती है ऊर्जा उसको भी पास होने देते हैं एकदम। सेमी कंडक्टर बीच के हैं, और इंसुलेटर बिल्कुल नहीं होने देते, कतई नहीं होने दूंगा, दरवाजा खोल मत दिए, कुंडी तोड़ मत दिए। और सेमी कंडक्टर क्या करता है, ये इनके बीच का है। बोले गुजरना चाहते गुजर जाओ, एक एक करके निकल जाओ, ये हिसाब है इसका। अगला प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? साथियों ये यूपी पीसीएस तक रिपीट होने वाला प्रश्न है, इतना प्यारा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बलित पर्वत। आपकी किस्मत खराब रही, ऑप्शन बदल गए, विकल्प बदल गए, तो विकल्प में लिख के आएगा फोल्ड माउंटेन। क्या आएगा? फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। कभी आप गहरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टेक्टोनिक प्लेट टकराई थी जब हम अफ्रीका से टूट करके अलग आए थे, तो टेक्टोनिक प्लेट टकराई इस तरीके से आप अगर देख पा रहे हो, और ये बीच में से उठ गई, तब हुआ है हिमालय का निर्माण। आगे चलेंगे प्रश्न 12 की तरफ। भारतीय संसद में सम्मिलित है, संसद में कौन कौन सम्मिलित है? तो आमतौर पर हम जवाब देते हैं लोकसभा राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति भूल न जाना प्यार पुराना, राष्ट्रपति को मत भूल जाना आप बता रहे हैं। यहाँ आ जाइए, नेट स्केप नेविगेटर एक है, कंप्यूटर से आ गया, कंप्यूटर से प्रश्न आ गया गुरुजी, कंप्यूटर से। सही उत्तर क्या होगा इसका? वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक। यहाँ पर आप कोई इमेज हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, उसको देखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? नेट स्केप नेविगेटर। अगला प्रश्न, बिल्कुल रुकना नहीं है, रुकना नहीं, थक जाना नहीं। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? गाय के दूध का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, आपने अगर देखा हो, उसका जब घी भी बनाओगे तो हल्का सा उसमें पीला कलर आपको अच्छा दिखेगा। तो इसका सही उत्तर साथियों ये लगा दिया हमने कैरोटीन। कलर पीला, सरजी का पेन लाल, कलर पीला, सरजी का पेन लाल, और क्या है लाल नाम? कैरोटीन। आगे चलेंगे, प्रश्न कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में
आयोजित किया गया था। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि क्योटो इधर से आ जाए, गुरुजी इधर से आ जाओ, बढ़िया मामला चल रहा है, बहुत तेज वीडियो चल रही है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आग लगा देंगे भैया जी आग। क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये किससे संबंधित था? तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था। उत्सर्जन से संबंधित था कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। अरे उत्तर बता दें यार, तुम उत्तर बहुत जल्दी काटते हो। देखो तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था। जिस प्रश्न को पकड़ो निचोड़ दो, पकड़ के गमछा निचोड़ के। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रखती है वो कौन है? तो वो है CO2। साथियों जाके ताई कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जाके ताई का कहते हैं ऑक्साइड का आधो बने ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। CO2 का आप पूरा जो मॉलिक्यूल का वेट है वो बता सकते हैं कितना होता है साथियों? तो वो 44 ग्राम होता है। इसमें जो कार्बन, अरे उधेड़ के बुंदेंगे, देखिए आप जरा प्रश्न ऐसे ही करना है। अब कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। अब कार्बन पे बात चल रही है, आज देख ही लो इस कार्बन को है, आज इस कार्बन की तो ऐसी तैसी। और क्या, इधर आ जाइए। अब कार्बन पे आप जो बात कर रहे हैं बहुत जबरदस्त प्रश्न हो जाएगा। कार्बन 3 रूपों में मिलता है। एक रहा इसका डायमंड यानी हीरा। डायमंड की बात हम लोग कर रहे हैं साथियों। डायमंड इसका क्या है? एलोट्रॉप है। कितने एलोट्रॉप होते हैं साथियों? इसके 3 एलोट्रॉप है, एक डायमंड है और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट यानी के जो पेंसिल में बीच में भरा होता है। और तीसरा जिसका नाम आपने कम ही सुना होगा वो है बकमिंस्टर फुलरेंस। बक ऐसे किसी को नहीं कहते हैं साथियों, अच्छी बात नहीं है ये। बकमिंस्टर फुलरेंस इसकी बात कर गई। अब प्रश्न पे वापस लौटते, सही उत्तर देखने का बिल्कुल सही और उचित समय है। इसका उत्तर है साथियों जापान। सो क्योटो प्रोटोकॉल सबसे शिखर सम्मेलन का हुआ इसका? जापान में हुआ साथियों। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया, प्रश्न नंबर 16। देखिए जो अभी बात कर रहे थे, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है साथियों? तो वो बना होता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है। आगे चलेंगे अब प्रश्न 17 पे। कह रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हो? मिलावटी मिक्सचर इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, यानी दोनों को मिला करके। सार्वजनिक का मतलब हो गया पब्लिक, है ना, जो सरकारी है, और निजी का मतलब हो गया प्राइवेट। इसको जब हम मिला देते हैं तब हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनती है मिश्रित वाली। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 18। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? तो बिना किसी परेशानी के आप मेरे साथ चल, मेरे साथ साथ चल खुला है, आगे नहीं बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा वो। फिर क्या खुला है? अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर कहाँ चल रही है? पश्चिम से पूरब को चल रही है, पश्चिम से पूरब को चल रही है। गुरुजी इसमें ना बताऊंगा कुछ धमाकेदार, सुन लो फिर भाई। सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, इंगी पिंगी एंगन मैंगन चिंगा पोंगा, सबके सब कहां जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब को घूमते हैं। एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका नाम है वीनस, हिंदी में क्या कर रहे हैं गुरुजी? शुक्र। ये कहां से घूम रहा? इसका कलर बदल के लिख देंगे आज। इसका कलर क्या बदल के लिख दिया हमने? ये घूम रहा पूरब से पश्चिम की तरफ। इकलौता है, इकलौता इकलौता है ये काम करने वाला पूरे सौरमंडल में। सबके सब कहां है? पश्चिम से पूरब की तरफ को चल रहे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? सर जी विश्व के भूगोल से प्रश्न आ गया, उठा के फटाफट पेल दो सिरा को, लू मत लगा देना। उनने दे रखा है स्मार है, बोले तुम्हारे यहां बहुत लू चल रही जून जून में, लू लू खेला करे, तो लू जून नहीं करना है हमें, सिरा को इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया, विद्युत मोटर, यहां पर रिक्त स्थान आएगा साथियों। इस प्रश्न को जरा मैं पुनः अपने हाथ से निर्मित कर लेता हूं ठीक से। इस प्रश्न में जो है वो चिंगी पोंगी हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। और क्या कह रहा है? विद्युत मोटर प्रश्न बना रहे हैं, देखिए साथियों प्रश्न को ठीक कर रहे हैं। विद्युत मोटर रिक्त स्थान ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न मरियल है, बिल्कुल खत्म प्रश्न है, अपने आप जवाब बता रहा है, चीख चीख के देख लो हमें जवाब है। क्या?
विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता होगा? अगर विद्युत की मोटर है तो ऊर्जा कौन सी होगी? मजाक करते हो गुरुजी, कह दो ना कि विद्युत होगी। लो भैया कह दिया, आपके लिए कह दिया, विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे पास 21वां आया, सनसनाता दंदनाता, कह रहा है संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संदेश भेजना, किसी को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, होटल वोटल खोलना, ये सब तरीका जो है ये किस में आता है? तृतीय में आता है। आपके यहाँ सेट टॉप बॉक्स की, टीवी वाले की दुकान है, वो सब तृतीय में आ गए। क्यों? क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं किसी भी प्रकार की, ये सब सेवा देने वाले तृतीय में आते हैं। द्वितीय में आता है सर जी प्रोडक्शन, उत्पादन। आहा हा, क्या कह रहा है गुरुजी, फैक्ट्री लगा दूं? अरे लगा दियो, पहले तो फिलहाल वर्दी लगवाओ अपने ऊपर अगर तैयारी कर ही रहे हो, और इस पे नहीं करेंगे गोला, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। प्राथमिक में क्या आता है? एग्रीकल्चर, यानी के कृषि किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है कृषि, एग्रीकल्चर प्राथमिक सेक्टर में आ जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तीन क्षेत्र, प्रथम द्वितीय और तृतीय। आगे चलेंगे, प्रश्न आ गया आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर है साथियों यूरोप। हाँ जी, यूरोप इसका सही उत्तर है। सर जी अमेरिका दे रखा है, इसके बारे में कुछ कह दो ना। अमेरिका में होकर है बेटा, अमेरिका में होकर है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको अमेरिका में मिलती है। पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलेगी? अमेरिका में मिलेगी। हमें आपका बड़ा इंतजार है, हमने जिनके इंतजार में सदियां गुजार दी, अब वो कब आएंगे मैं बताऊंगा आपको। 17 और 18 तारीख को दो दो पालियों में आ रहे हैं। अमेरिका में कौन सा है ये बताओ, दक्षिण के उत्तरी, या आपके लिए छोड़ के दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। जबरदस्त तैयारी के लिए फौरन से पहले इधर को आइए। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर कौन से हैं? संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के सक्षम तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र, बच्चा क्वेश्चन पढ़ ले वैसी बेहोश है, बोले जाना क्या ही कह रही यार, समझ में भी तो आवे, बुद्धि में तो घुसे, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। उस समय के लिए प्रश्न पर गोला करके थोड़ी देर को ठहर जाएं, करते चलें जो स्पीड में खिंच रहे हो। समय की बहुत कीमत है और समय ही आपको सिलेक्ट कराएगा। इतना ज्ञान लेकर के गए हैं, समय अगर आपका व्यवस्थित नहीं हुआ, आपने मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस नहीं करी है, तो समझ लीजिए आपका खेल खत्म हो चुका है, आप वैकेंसी से बाहर हैं। अब चाहे आप यूपीएससी की नॉलेज रखते हो, तो समय के हिसाब से इसका सही उत्तर हो गया बिना देर लगाए सीबी रामन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। आगे चल रहे प्रश्न आ गया है 24। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, उनका नाम क्या होगा साथियों? उसे कहते हैं रोपण खेती। इसमें कौन कौन आ गया आपका? जैसे कि हमारी चाय आ गई, काफी आ गई, ऐसी चीजें इसमें आ जाएंगी, चाय कॉफी जैसी चीजें। रोपण खेती नगद फसल के लिए उगाई, नगद फसल उगाई जाती है जहां पर, उसको रोपण खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में अली बंधुओं शौकत अली मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बहुत ही पिद्दा सा प्रश्न है, 10वीं कक्षा के लेवल का प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है ये अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न आता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया, किसका विवरण किया गया है? तो वो किया है गुलामी से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण यहां अनुच्छेद 4 में किया गया है। आगे चल रहे हैं यहां पर, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ये प्रश्न भी आप अगर बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो ये निकल जाना चाहिए, अब तक खत्म हो जाए क्वेश्चन, उड़ जाए। अगर आपने उड़ा दिया वीडियो को लाइक करके दिखाओ फटाक से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भी करे है, राज्यपाल की भी करे है, महान्यायवादी की भी करता है, कर्ता किसकी नहीं है? महाधिवक्ता की, क्योंकि ये राज्य स्तर की एक पोस्ट है। गुरुजी इसकी कर्ता कौन है फिर? इसकी नियुक्ति भी तो होती होगी। इसकी नियुक्ति करता है सर राज्यपाल, और राज्यपाल को ये अधिकार मिला संविधान के 135 अनुच्छेद से मिला। किससे मिला? संविधान के 135 अनुच्छेद ने राज्यपाल को अधिकार दिया कि वो महाधिवक्ता की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आ रहा है सनसनाता हुआ, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति थे, बिजनेसमैन, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? इसका जो सही उत्तर है वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका सही उत्तर है। ये वही जो है, ये वही वो नाम है, माफ कीजिएगा, विक्रम साराभाई, जिनके साथ APJ अब्दुल कलाम,
बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक और राष्ट्रपति भी रहे हमारे। कौन से नंबर के रहे राष्ट्रपति? एपीजे अब्दुल कलाम। कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि उधर से आपके अंदर जोश है, आपकी तैयारी जबरदस्त है, देख तो लें। तो विक्रम साराभाई के साथ एपीजे अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष के कुछ मिशनों पर काम किया है। अगला प्रश्न आ गया 29वां, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ था? बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है कि निशाना सामने है, बस गोली छोड़ दीजिए अपने हाथ से, लखनऊ पैक्ट पे जाके लग जाएगी गोली, लग जाएगी लखनऊ पैक्ट पे। अगली बात करते हैं, प्रश्न आ गया 30, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो एन आर नारायण मूर्ति जी हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। सुधा मूर्ति जी से लेकर के कुछ बात आपके साथ कर लेना उचित होगा। ऋषि सुनक को आप सभी जानते हैं, ऋषि सुनक को आप सभी जानते हैं जो इस समय ब्रिटेन के पीएम हैं। इनकी सासू माँ जी हैं सुधा मूर्ति जी, यानी इनकी पत्नी की माता जी हैं सुधा मूर्ति जी, साथ ही साथ इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उनकी धर्मपत्नी भी हैं। तो ये बात थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा लगी आपके कि आ सकती है कई बार, तो मैंने आपके साथ इसको ले लिया। प्रश्न 31 की बात करते हैं, टोटल प्रश्न 38 आ रहे हैं जीके और जीएस के। अगर वीडियो में यहाँ तक चले आए हैं दिखाता है आपका डेडिकेशन, और हमारी कोशिश ये है कि जरूर कुछ नया सीखेंगे। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? कि भैया छुआछूत जैसा कुछ कानून नहीं है। अगर आपने दशरथ मांझी पिक्चर देखी है तो उसमें जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो दशरथ मांझी का रोल कर रहे हैं वो जब लौटते हैं शहर से तो अपने मुखिया के जाके गले चिपट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते में क्या सुना है कि भैया छुआछूत खत्म हो गई। उस समय दौर की बात है। तो आप ये बताओ मौलिक अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हुआ? तो वो है समानता का अधिकार, सभी लोग बराबर हैं, ना तू छोटा ना मैं बड़ा। अगला प्रश्न कौन सा, यहां रिक्त छूटा हुआ है, ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। ये वही शख्स है जब इसने भारत का तख्त हासिल किया तो इसकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर है बाबर, बाबर। ठीक है जी, एक वेब सीरीज भी इस पे आ चुकी है, ऐसी वेब सीरीज अगर आपको कभी समय लगे, आपकी नौकरी लग जाए, तो आप ऐसी चीजें देखें जिससे ज्ञान अर्जित हो। ठीक है जी, अगला चलते हैं, अगला प्रश्न 33 है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। भाई छोटे छोटे बच्चों की किताबों में नाम लिखा हुआ है, जनरल डायर जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग की जो घटना थी 1919 को हुई, बैसाखी का दिन था, सिख समुदाय के लोग ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ सिख ही थे, उसमें हिंदू मुस्लिम और भी जो है धर्म के पंथ के लोग थे, अलग अलग धर्म पंथों के, और इनको एक जगह घेर करके इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, और इसको ये बताया गया कि ये लोग एक रणनीति बना रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की। अगली बात करते हैं, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है, पुष्प में यानी फूल में फिलार में कौन सा मादा अंग है? तो ये क्वेश्चन अगर कोई अपने उससे लगाएगा ना विवेक से तब भी ठीक कर देगा, वो है स्त्री केसर। जी हाँ, इसको अंग्रेजी माध्यम के छात्र पिस्टल के नाम से जानते हैं, कई बार इसको कार्पेल भी कहा जाता है। अब आप सुनिए, आप सुनिए, ये स्त्री पूछ लिया, अब मान लो आपके पेपर में पुरुष पूछ ले तो क्या कहोगे? पुंकेसर, पुंकेसर, इसको अंग्रेजी माध्यम के छात्र कहते हैं मेल। तो ये तो हो गया पुरुष, यानी के नर अगर आपसे पूछ लेगा नर पार्ट कौन सा है, नर, और अगर मादा पूछ लिया है तो उसका उत्तर आपके समक्ष आ चुका है, वो क्या था हमारा, वो था हमारा स्त्री केसर। इस तरीके के प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। 35वां प्रश्न है, भारत और के बीच, यहाँ फिर से रिक्त स्थान है, ये आज थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लगता है यहाँ बनाने में हुई है टीम से, कोई दिक्कत नहीं है। भारत और के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि कहाँ है? तो आप पाकिस्तान मत लगा देना भाई साहब, इसका उत्तर है श्रीलंका। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? श्रीलंका। अगला प्रश्न 36वां आपके टीवी स्क्रीन पर 12,000 रुपए के लिए मौजूद है। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा देश इप्सा का सदस्य नहीं है? मैंने आपसे कहा है पिछले कई सेट में, कहा नहीं को पकड़ के एकदम रेखांकित करो, नहीं गलती खा जाओगे। आपके विकल्प इस प्रकार हैं, पहला विकल्प भारत, दूसरा विकल्प ब्राजील, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा है मंगोलिया। तो सदस्य जो नहीं है वो है मंगोलिया, है जी मंगोलिया, मेरा मन मोह लिया, हाय जी कहकर है। इप्सा की बात कर लेते हैं, आई से यहां पर इंडिया है यानी हमारा प्यारा भारत, यहां पर बी से क्या है? तो सर यहां पर बी से है ब्राजील,
और यहां पर एस ए दोनों एक ही के लिए हैं और वो है साउथ अफ्रीका, यानी के दक्षिण अफ्रीका इसके लिए। तो मंगोलिया जो है वो उत्तर नहीं है इसका, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न जो मेरे पास है वो प्रश्न है 37। प्रश्न कहता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, मेरी बात आप समझना, इसका उत्तर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वीडियो आपने नहीं देखी शुरू से तो देख लीजिए, चाहे 1.5x करके देख लीजिए, क्योंकि इसका सही उत्तर जीएसटी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना आप 100% मान सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कीव किस देश की राजधानी है। तो यह बात पूछी गई है कीव किस देश की राजधानी है। यह अभी थोड़ा करंट से भी मैच खा जाएगा क्योंकि यह यूक्रेन की राजधानी है। अभी हमने पिछले वर्षों में यह पिछले समय में थोड़े ही समय में यह देखा कि यह जो एक युद्ध चला वो किसके बीच में चला, यूक्रेन के और रूस के बीच में चला। तो यूक्रेन की राजधानी कीव हमने पूछ ली, और एग्जामिनर आपसे पूछ ले रूस की, तो रूस की क्या बताओगे, मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी हो जाएगी। ये हमारे पास प्रश्न है। तो 38 प्रश्न जीके जीएस में आ रहे हैं, जिसकी एक प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिया, टोटल 10 कराएंगे। और 10 में अगर क्वेश्चन नहीं आए तो चैनल पर आके कमेंट करना, गुरु जी एक भी क्वेश्चन ना आए आपके सेट से, ये बात हम पक्की कह रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा में दे देता हूं, हालांकि वो आप आपको आगे की परीक्षाओं में भी काम आ सकती है, क्योंकि परीक्षा तो आप देते रहेंगे, आप उन्नति करते रहेंगे। तो बात सुन लीजिए, वो क्या है, एनपीसी गुरुकुल नाम का ही चैनल है जिस पर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं। एनपीसी गुरुकुल नाम का ही टेलीग्राम चैनल है, एनपीसी गुरुकुल नाम का ही एप्लीकेशन है। कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मजे उड़ाइए, गुलछर्रे उड़ाइए, ठीक है जी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मैं आपसे विदा लूंगा, इजाजत लूंगा, कल फिर मिलूंगा ऐसे ही एक सेट के साथ। आपको निरंतर मिलते रहें सब्सक्राइब का बटन। जय हिंद, जय भारत।